एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो मैं निकला हूँ आपको वीडियो टाइटल के थंबनेल से, सॉरी थंबनेल और वीडियो के टाइटल से पता चले गया होगा कि अपने कॉलेज की तरफ। अगर कोई नया बंदा देख रहा है तो आई स्टडीड फ्रॉम जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, 2020 में ग्रेड हुआ था। करंटली आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। एंड अभी कहाँ, अगर मतलब पता नहीं आप वीडियो कब देख रहे हो, तो अभी कहाँ काम कर रहा हूँ ये लिंक्डइन के प्रोफाइल से जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा। आई एम ट्रैवलिंग विथ माई फ्रेंड अभी जो कि 2020 ग्रेड्स ही है एंड ही वॉज फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट, आई वॉज फ्रॉम IT डिपार्टमेंट। तो ये इंफॉर्मेशन दे दिया क्योंकि 3-4 साल बाद जो वीडियो देख रहा होगा उसको थोड़ा नॉलेज हो। तो अभी बजे हैं 1:30 एंड हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं होटल। अभी बस तुरंत लंच करते हैं क्योंकि कल रात को जब घर से निकला था 9 बजे तब लंच किया था। हैव अ लंच एंड देन क्विकली वी विल विजिट द कॉलेज। तो लंच हो गया एंड अभी अपने निकले हैं कॉलेज की तरफ। एंड मेरे साथ है अंकश, ये चिराग, इन्होंने ऑफर की बारिश लगा दी है। ये उत्कर्ष है, जस्पे पे काम करता है। दिस इज राज, दिस इज करंटली वर्किंग एट अमेज़न एंड सामने बैठा है। आप अपना इंट्रोडक्शन दो। आई एम दीप सर को। चलो तो अभी हम लोग निकल रहे हैं कॉलेज की तरफ, बजा है टाइम 4 बजे, देखते हैं फिर आपको थोड़ा सा कॉलेज का टूर वगैरह देंगे। सो कॉलेज का सेशन तो हो गया। कॉलेज के सेशन के बाद सारे जूनियर्स ने बोला पार्टी देने, तो आए बस अभी पार्टी के टाइम। एंड आपको क्राउड दिखाता हूँ, ये सब कोई आया हुआ है। ए हेलो, तुम ब्लॉग में आ रहे हो? ये बंदा मेरा स्टेटस फॉलो करके सिलीगुड़ी से मेरे से मिलने आया रात को 10 बजे, 10-15 बजे। थैंक यू फॉर कमिंग। और बढ़िया यार, नाम क्या है? अभिजीत रॉय, सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट, राइट? SIT। सही है, सही है। थैंक यू फॉर कमिंग। और अगर आप पहचान पा रहे हो, यही वो बंदा है जिसने CP शीट बनाई थी। हाँ भाई, खा। नहीं नहीं, तू खा। मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी बजे अराउंड 2 बजे, सब कोई खा के चला गया, बट अराउंड 12-13 जन थे जिन्हें टोटो मिली नहीं। तो हम लोग यहाँ काफी देर वेट किए थे। एक इनका फ्रेंड है जो कि गाड़ी लेके आया, बट वो लड़कियों को लेके चला गया, उसके बाद वापस आया ही नहीं। ये लोग बेचारा रुक गया, बट ठीक है, एक फ्रेंड हेल्प कर दिया, वो बाइक अपना दे दिया है। कितना ट्रिप? 3 ट्रिप मारेगा तुम लोग, ठीक है? मतलब कॉलेज में पास आउट होने के बाद भी हम लोग मेमोरी बनाते है कि नहीं? कल 2 दिन चलाया तुम लोग। जस्पे वाले हम लोग को छोड़ गए। ये जस्पे वाले भैया छाता लेके बैठते हैं। चलो यार, चलो कल मिलते हैं। तो सेकंड डे ऑफ द कॉलेज, कल तो रात को 3 बजे सो गए थे, तो आज सोचे एक बार कॉलेज जाते हैं, आपको कॉलेज का टूर देते हैं, हॉस्टल वगैरह दिखाते हैं। मतलब पहले जब हम लोग गए थे यहाँ से, कॉलेज कितना अलग था। मतलब यहाँ पे रोड्स आप देख रहे हो, एवरीथिंग हैज जस्ट प्रॉपर सिग्नल लग चुका है, यहाँ पे ट्रैफिक गार्ड है एंड 4-lane हाईवे भी बन चुका है। तो हम लोग जब गए थे यहाँ पे पूरा धूला वगैरह सब कुछ था। टोटो स्टैंड का जगह भी चेंज हो चुका है, दुकान भी इधर सारे उठ चुके हैं। अगर कोई पास्ट एलुमनाई देख रहा है, यहाँ सिलीगुड़ी से है रोड एंड वी कैन सी दिस इज हाउ कॉलेज, मतलब ये गेट है, थोड़ा सा रंग वगैरह हुआ है एंड अंदर 4 साल पहले जैसा था, 2 साल पहले, 6 साल पहले जब मैं आया था कॉलेज जैसा था, आज भी वैसा ही है। फाइनली आपको पूरा कॉलेज का टूर देते हैं जिस कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हुआ था। सो दिस इज द कॉलेज, अगर आप देख रहे हो, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। और ये जो गेट है, दिस गेट हैज बीन एग्जिस्टिंग फ्रॉम इयर्स, मतलब सालों से पेंटेड हुआ है, तो काफी नया लग रहा है। दिस इज हाउ वी एंटर द कॉलेज। एंड एक मजे की बात बताता हूँ, ये जो रोड है ना, ये आप अगर फर्स्ट ईयर में, यू कैनॉट एक्सेस, ये सीनियर्स लोग का रूल है, अगर फ्रॉम फर्स्ट ईयर यू कैनॉट एक्सेस इट बिकॉज यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल पड़ता है। पता नहीं किसने रूल बनाया, बट सही है। फर्स्ट डे आप जब कॉलेज आते हो तो फर्स्ट थिंग दैट यू सी इज दिस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। मतलब आपका सारा एडमिशन सब कुछ इसी बिल्डिंग में होने वाला है। इसी गेट से मेरा डिपार्टमेंट है, लाइक मैं आईटी डिपार्टमेंट था, आईटी डिपार्टमेंट था, तो दिस इज द एंट्री। एंड अगर यहाँ पे थोड़ा आगे जाएगा तो इट शोज द गोल्ड मेडल वाला सेक्शन, जहाँ पे मेरा नाम कभी नहीं आया। ये कॉलेज 1960s था,
यहाँ हमें अपडेट करना पड़ेगा। समवन इज वाचिंग दिस, प्लीज डू अपडेट दिस, इसको वापस प्रिंट करा के चिपकाना, ठीक है। एंड दिस इज आवर कैंटीन, ये छोटा सा भाईदा का स्टोर है जहाँ हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ खाते थे। हेलो भाईदा, व्हाट्स अप, ये वीडियो तो आज भी आजबो है एकदम। चले एक टक कोल्ड्रिंक खाओ। ना कोल्ड ड्रिंक इतना अशुक है आज आगे मामला आगे चलने को तैयारी की। पेप्सी कोक तो तुम्हारा है? हम तो कोक ब्रांड पलटा कर लेंगे। ना ना ब्रांड पलटा ही नहीं, दो साल पहले। इस साइड गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल जाने के लिए ये शॉर्टकट है। दो लड़कियां जा रही है और वो अपना गेस्ट हाउस है, अगर जूम करेगा तो दिख जाएगा, वो पूरा गेस्ट हाउस है। इनका स्पेशलिटी है कि जिम तीन तल्ले का है, लेकिन जिम में सिर्फ एक ही फ्लोर है और ऊपर कुछ भी नहीं, लाइक इट्स अ ग्राउंड फ्लोर एंड ऊपर पूरा एम्प्टी है। पता नहीं किसने सोच के बनाया था या फिर क्या ही हुआ है। साइड गर्ल्स हॉस्टल है पूरा, वहाँ पे चारों इयर्स के गर्ल्स रहते हैं। आपको पता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गर्ल्स का काउंट बहुत कम होता है, दैट्स वाई सिर्फ एक ही हॉस्टल है गर्ल्स हॉस्टल का। उसका जो एंट्री है वो अलग डायरेक्शन से है, लाइक बॉयज हॉस्टल एक साइड है, गर्ल्स हॉस्टल एक साइड है। ये पूरा रोड ऐसे स्ट्रेट जाता है, पहले फर्स्ट ईयर को रखा गया है सो दैट उन्हें हॉस्टल नंबर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर सीनियर्स के हॉस्टल के थ्रू ना जाना पड़े। फिर आपका सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर को रखा गया है। फोर्थ ईयर तो ऐसा लगता है मतलब कैंपस के बाहर ही है, इतना दूर है। हो गया फर्स्ट ईयर का एंट्री, चले के लिए क्लास से आओ, क्लास से होते हुए इधर से जाओ। यहाँ पे फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के जो हॉस्टल के लौटे हैं यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलता है। फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है तो परमिशन लेके घुसना पड़ता है, लाइक फर्स्ट ईयर के हॉस्टल में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कोई भी नहीं घुस सकते, अपने टेक स्पेशल परमिशन। मैं घुस सकता हूँ क्योंकि मैं एलुमनी नहीं हूँ, तो मैं रैगिंग नहीं करने वाला। एंड दिस इज, ये बेसिकली हॉल है, अगर कुछ अनाउंसमेंट करना है इधर ही बुलाओ आप पूरे हॉस्टल को, आप ऊपर मत जाओ, इधर ही बुलाओ, इधर सब बैठेगा। इधर टीवी वगैरह भी है, लाइक मुझे अभी भी याद है फर्स्ट ईयर में क्रिकेट मैचेस होते थे, आईपीएल चलती थी, इधर आईपीएल चलता था या फिर कुछ भी टूर्नामेंट हुआ इधर सब बैठेंगे जो मस्ती करते थे। जब फर्स्ट ईयर में आते हो ना सारे बर्थडे मोस्टली यहीं पर, और जो पढ़ाई होती है ना, तो ये है हॉस्टल का लाइक फर्स्ट ईयर हॉस्टल मेस। आप लोग सब ऊपर रहोगे एंड जब आपको खाना रहेगा बुलाया, मतलब एक घंटी बजती है, नीचे आ जाओ, लंच एंड डिनर सर्व होता है, ब्रेकफास्ट नहीं होता, तो इधर लंच एंड डिनर हम लोग करते थे। तो आपको दूसरा दिखाते हैं, तो दो फ्लोर है, तभी मैं रहता था सेकेंड फ्लोर पे, हम लोग जब रहते थे सेकेंड फ्लोर पे, इस साइड थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर लोग रहते थे, कभी भी आया क्वेश्चन में थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर रहते थे। एंड कमिंग अक्रॉस ये विंग्स पे भी हम लोग मस्ती करते थे। एंड अपन रहते थे रूम नंबर 64 पे, लेट्स नॉट गेट इट अप ऑन दैट। कैन आई कम इन प्लीज? प्लीज गिव। राज आई टी कोलकाता, या मेरा रूम मेट का भी था पवन कुमार का लिखा हुआ है, सब कुछ का लिखा, लेकिन मिट जाता है विद टाइम, बट कोई हम लोग रहते थे 64 पे। पता है उत्कर्ष फर्स्ट ईयर पे वो टूटा हुआ था, अभी भी टूटा हुआ। साइड एक टी विंग है और ये अपना बैडमिंटन कोर्ट हुआ करता था, मतलब मैं बहुत ज्यादा बैडमिंटन फ्रीक था, आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, मतलब रात को 10 बजे से लेके 4 बजे 5 बजे तक हम लोग सब बैडमिंटन खेलते थे, सीनियर्स वगैरह तब रहते थे, ऐसे लॉट ऑफ फन हो गया था। फर्स्ट ईयर का टूर तो हो गया, अब करते हैं सेकंड ईयर करके। सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, आई लव टू थैंक द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो व्हिच इज कोडिंग निंजास। कोडिंग निंजास इज इंडियाज लीडिंग एडटेक प्लेटफॉर्म। अगर आपको DSLGO का कोर्स चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का चाहिए, मशीन लर्निंग का चाहिए, डेटा एनालिटिक्स का चाहिए, वेब डेवलपमेंट का चाहिए, एंड्रॉइड डेवलपमेंट का चाहिए, आप बस नाम बताते रहो। अगर आपको कोई भी कोर्स टेक्निकल फील्ड में चाहिए, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द कोर्सेज आर कोडिंग निंजास। व्हाई कोडिंग निंजास? बिकॉज इनके जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, सो दैट आपकी जो लर्निंग की पाथ हो उस पर कोई भी दिक्कतें ना आए। एंड ऑल्सो द कोर्सेज आर वेरी वेल क्यूरेटेड बिकॉज दीज कोर्सेज आर प्रिपेयर्ड बाय पीपल हु हैव बीन एट IITs एज वेल एज स्टैनफर्ड एंड बाय द पीपल हु हैव बीन एट Amazon, Facebook एंड Google। नाउ इफ यू डोंट बिलीव इट, यू कैन चेक आउट द Facebook एज वेल एज द Google रेटिंग ऑफ कोडिंग निंजास।
the best thing about them that I find personally is the doubt resolution time. Like the average doubt resolution time in the last 1 year has been 10 minutes. Like if you're raising a doubt, it gets solved within 10 minutes. So that's the most amazing thing that they do provide. So if you are looking out to buy any of the courses, you can check out the link in the description. You can easily get an additional 20% discount on whatever price that has been going around. So guys, make sure you check out Coding Ninjas. The link will be in the description. इधर ये वाला जो छोटा सा ग्राउंड है, वो ओवल है, वहाँ पे बड़े कॉम्पिटिशन होते हैं। ये वाला जो ग्राउंड है, यहाँ एक छोटा सा ग्राउंड है, इधर जनरली सेकंड ईयर जो है वो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। ये वाला जो है, दिस इज द सेकंड ईयर हॉस्टल एंड मस्त दिखा तो एक चीज गजब हंसी आएगा। वो वाला दिखा जी उत्कृष्ट, वो जो चीज है दैट्स बेसिकली पॉलिटेक्निक, जलपाईगुड़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जस्ट बाउंड्री के उस तरफ है। और यहाँ पे सेकंड ईयर का हॉस्टल है और वहाँ पे फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रात को जो मस्ती करता है ये लोग को, यहाँ से आवाजें, वहां से आवाजें, आवाजें, आप लोग समझ जाओ कौन से। दिस इज द बास्केटबॉल कोर्ट, यहाँ पे आप बास्केटबॉल वगैरह भी खेल सकते हो। लाइक मैं नहीं खेलता, बाकी लोग खेलते थे। क्या सब लेके जा रहे हो? म्यूजिक क्लब का चीज है, ये हॉस्टल नंबर 1 है एंड इसका नाम पीसी रॉय हॉल है। पीसी रॉय के ऊपर ये हॉस्टल एंट्री। मैंने सेकंड ईयर में स्कूटी खरीदा था अपने इंटर्नशिप के पैसे से, मतलब मैं आर्टिकल्स लिखता था जीएजी पे, तो आई बॉट अ होंडा एक्टिवा जो कि मेरा हमेशा इधर रहता था, इंजरो में रहते थे ना। ओ भैया कैसे हैं? क्या चल रहा है भाई? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वाह जोर से बोल। हाँ कैसे हो? कैसे क्या बना रहे हो? ये जलपाईगुड़ी आर्टिस्ट सृष्टि, टेक फेस्ट आ रहा है तो ये लोग टेक फेस्ट के लिए सब चीजें बना रहे हैं। मैं यहाँ सोया करता हूँ। तुम लोगों ने बेड ऐसा डाला है ना? मैं बेड ऐसा, हम लोग का बेड ऐसा था, एक दो तीन, और तीन मिनट में 5-6 जन सोते हैं। यहाँ पे अपन नाम भी लिखे गए थे, यहाँ पे ना मैंने पेंट से लिखे गए थे, कोई मिटाए गए। बैच 1620 राज, पवन, गोपाल, रिचक, तीन जन रूम एलोकेटेड होता था, तो 4 जन रहते थे। भी लिखा होगा यहाँ पे, भी लिखा होगा यहाँ पे, भी मैंने लिखा हुआ था राज कोर्ट जस्ट कोर्ट। पवन वगैरह देख रहा होगा, पवन देखा रूम को अच्छे से रखना, वो कोई मिटाने मत देना यार, वो गंदा चीजें मिटा दे। और यहाँ पे किसी को फोन में बात करना है, आप उनको देख सकते हो जूम करके, ये फोन में ऐसे लोग, यहाँ पे मेरे टाइम पे भी लोग ऐसे ही बात करते थे वहां पे जाके, क्योंकि रूम में बात नहीं कर सकते थे। तुम लोग बोलते हो कि क्या रात को कितना बजे? 12 बजे से वहां से यहाँ नीचे से सही है बॉस। यहाँ उस साइड पूरा टी गार्डन है एक्चुअली, उस साइड अगर आप उस साइड जाओगे तो कंप्लीट टी गार्डन। सबसे फर्स्ट ईयर में तो मैनेजमेंट कंट्रोल होता है, सेकंड ईयर पे इट्स मोर ऑल लाइक मैनेजमेंट नहीं रहता है, आप खुद से बहुत ज्यादा मस्ती करते हो। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का हॉस्टल इज लाइक दिस, तो वो जो विंग होती है ना उनका हमेशा थर्ड ईयर के साथ कुछ ना कुछ तो पंगा हो गए, क्योंकि थर्ड ईयर रात को बोलेगा लाइट बंद कर, ये लोग बोलेंगे भाई बाप का रूम थोड़ी है तेरा। बोलते क्या तुम लोग लाइट बंद कर? अभी भी स्टार्टिंग में होता है, अब तो चिल्ला है। तो सेकंड ईयर हॉस्टल तो अब हो गया, अब तो चलते अभी थर्ड ईयर हॉस्टल, इसी रास्ते से चलेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में जो फोर्थ ईयर का हॉस्टल है वो तो कॉलेज के बाहर है, अभी देखो थर्ड ईयर हॉस्टल है, अभी आपको चल के फोर्थ ईयर जाना है। फोर्थ ईयर तो इतना दूर है, सुबह सुबह मतलब मन ही नहीं होता था क्लासेस आने का, ये अलग बात है हम लोग क्लासेस करते नहीं थे। तो मैंने क्यों बताया कि थर्ड ईयर का हॉस्टल ही बेस्ट हॉस्टल है यहाँ पे, द रीजन बीइंग दिस हॉस्टल इज एनक्लोज, लाइक यहाँ का जो ग्राउंड है फर्स्ट ईयर का बाहर था, सेकंड ईयर का बाहर था, तो इसका जो ग्राउंड है यहीं पे, यहीं पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। एंड इफ यू लुक एट दिस, दिस एक्चुअली लुक्स लाइक एन हॉस्टल रादर देन जो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, जो कि हॉस्टल ठीक है हॉस्टल है बट थोड़ा सा सेपरेटेड। यहाँ पे अगर आपको किसी से बात करना है जस्ट कम और गाली देके बुला लो, बाहर निकल जाना था। दिस द एंटायर हॉस्टल, हेलो हेलो, कैन आई एंटर? रूम है, एक इधर भी नाम लिख गया था, यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये बेचारा सो रहा है, बेचारा डिस्टर्ब हो गया, सॉरी ये नहीं पेश हो गया। और कौन से डिपार्टमेंट से हो? सिविल है। सिविल है, नॉट माय फील्ड। ये रूम सबसे छोटा है बट इट वाज वेरी क्लोज टू अस, क्योंकि
थर्ड ईयर में यूजुअली फर्स्ट ईयर में उतने क्लोज नहीं होता फ्रेंड्स से, सेकंड ईयर में भी होते हो, बट थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में यू टेंड टू गेट अ लॉट क्लोजर इनटू फ्रेंड्स. तो अगेन यहाँ पे भी हम लोग मैं पवन गोपाल ऋचिक रहते थे एज यूजुअल, तीन जन को एलोकेट होता था बट हम चार हमेशा रहते थे हॉस्टल्स में. हमने रिस्पेक्ट देखा है फोन भी है हाँ रिस्पेक्ट किसी ने यहाँ पे गाली दिखा है देखा लोगों ने मिटा दिया वो क्या सबसे एपिक चीज है यहाँ पे पवन अपना नाम लिख के गया था किसी ने गाली लिखा रेस्पेक्ट देख लो लोगों ने इसको चौक से मिटाया है. मैंने मिटाया सही है यार दिस इज द रेस्पेक्ट थैंक यू मैन अच्छा बात बाकी ये लोग मैं देखा जूनियर्स लोग गाली लिख देते नाम के सामने ये लोग मिटाते हैं सही है यार. एक फ्लोर पे अप्रोक्सीमेटली 25-30 रूम्स है एंड 25-30 रूम में यहाँ पे चार वॉशरूम्स है. आपको समझ में आ सकता है जिस दिन सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है कितना ही भीड़ लगा रहता है वॉशरूम के अंदर लाइन लेकर वॉशरूम जाना पड़ता है एंड दिस इज द बेस्ट व्यू. सो कॉलेज का सबसे अट्रैक्टिव चीज है द टी गार्डन बिहाइंड द कॉलेज लाइक हॉस्टल्स के ठीक पीछे या फिर साइड में टी गार्डन है. इफ यू सी इट्स अमेजिंग बहुत ज्यादा सुंदर है. यहाँ पे मेरे काफी फोटोज भी है इंस्टाग्राम पे जब मैं फर्स्ट ईयर पे आया था. फर्स्ट ईयर पे जब आप आते हो दीज थिंग्स लुक सो ब्यूटीफुल ना मतलब बहुत अच्छा लगता है. पूरा टी गार्डन है अगर मैं टी गार्डन के बीच जाऊंगा तो और अच्छा लगेगा. थर्ड ईयर हो गया टी गार्डन हो गया देखा पे आपको फोर्थ ईयर एमटेक हॉस्टल जिसके बारे में बात कर रहा हूँ सदियों से बने ही जा रहा है. ये लिटरली कॉलेज के लास्ट है दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द कॉलेज बाउंड्री उधर से आती है. मैं इधर मतलब मैं तीनों साल सेकंड फ्लोर पर था बट इन दिस ईयर आई एम स्टेइंग इस साल मैं फोर्थ ईयर में मैं ग्राउंड फ्लोर पर था. इस हॉस्टल का आर्किटेक्चर काफ़ी डिफरेंट है ये भी फोर स्ट्रक्चर शेप्ड है बट यहाँ पे जनरली आपको सिंगल रूम मिलता है मतलब अभी तक आप तीन लोग रहते हो रूम पे बट इन फोर्थ ईयर इज इट सिंगल रूम्स और या फिर दो का रूम मिलता है. इन दोनों में से कुछ होता है मोस्टली सिंगल रूम्स है जो थोड़े बड़े रूम्स होते हैं उसको दो में दिया जाता है. इसका आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है चार है उस साइड एक है इस साइड एक है और मैं रहता था इस साइड ठीक है. और यहाँ पे वॉशरूम है मोस्टली सारे में इसी बीच बीच में वॉशरूम्स है जहाँ पे क्रिकेट खेलते थे. सो ये वाला हम लोग के टाइम का आई टी का विंग हुआ करता था अभी भी कॉलेज का विंग है आई टी अभी भी आई टी का विंग है सही है. और मैं रहता था बड़े वाले रूम पे बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता मुझे इस रूम का दर्शन होगा होगा क्योंकि ये रूम बंद है.